सचिन पायलट की ओर से तीन प्रमुख मांगों को लेकर गहलोत सरकार को दिया गया अल्टीमेटम समाप्त होने को है। पायलट द्वारा दी गई अल्टीमेटम की अवधि 31 मई को पूरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हालत को देखते हुए नहीं लग रहा है कि गहलोत सरकार पायलट के अल्टीमेटम को लेकर गंभीर है। ऐसे में माना जा रहा है कि 31 मई के बाद राजस्थान में एक बार फिर सियासी बवाल जोर पकड़ेगा। इसको लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर नजरें पायलट की तरफ हो गई है। दूसरी ओर अशोक गहलोत की ओर से पायलट को लेकर दिए गए बुद्धि के दिवालियापन के बयान से सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। दिल्ली में गहलोत और पायलट की सुलह को लेकर 26 मई को होने वाली बैठक भी स्थगित हो गई है। इस बैठक के स्थगित होने के बाद लोगों के बीच चर्चा है कि 31 मई तक अगर पायलट की बातों को नहीं माना गया तो वो क्या कदम उठाएंगे। इन मांगों को लेकर पायलट ने दिया था अल्टीमेटम। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गत 11 मई को अजमेर में जन संघर्ष यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के समापन पर पायलट ने जयपुर में अपने तीन प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए गहलोत सरकार को 31 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। इसमें आरपीएससी बोर्ड को भंग कर पुनर्गठित करने, वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार मामलों की जांच करवाने और पेपर लीक मामलों में पीड़ित युवाओं को आर्थिक मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई थी। इस दौरान पायलट ने जनसभा में गहलोत को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि यदि उनकी मांगे 31 मई तक नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। हालांकि पायलट की चेतावनी के बाद कांग्रेस आलाकमान में भी परेशान नजर आया। इसको लेकर आलाकमान का नजरिया पायलट को लेकर कुछ हद तक नरम भी दिखा।